Assalamu alaikum students, I am Faiza Fahim. I am your math teacher, class 9th. Students, हमने previous lecture में ax square plus bx plus c type के expression की factorization से related examples को solve किया था. आज इस lecture में हम इसी expression की factorization को questions की मदद से solve करेंगे. तो चलते हैं whiteboard की तरफ. Students, factorization of the expression of the type हमारे पास ax square plus bx plus c जिसकी हमने examples को अपने previous lecture में solve किया था और इस expression को हमने solve करने का तरीका समझा था. इस lecture में हमारे पास exercise 5.2 का question number 3 है, वो इस expression से related है जिसमें 4x square plus 12x plus 5 जो हमारा part 1 है, इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरह से जिस expression को solve करते थे तो a को c से multiply करते थे. यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे जो x square का कॉफिशियंट है 4, उसको अपने कांस्टेंट 5 के साथ पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आता है, जो वैल्यू आती है 20, उसके हम फैक्टर्स बनाएंगे इस तरह से कि हमारे पास जो मिडिल वाली वैल्यू है वो आ जाए. तो यहाँ पर मैं करती हूँ 4, 5, 20. तो यहाँ पर 5 और 4 दोनों को अगर हम प्लस करें तो आता है 12. तो इट मीन्स कि यहाँ पर हम 5 और 4 के फैक्टर से नहीं बना सकते हैं. 20 को मैं ब्रेक इस तरह से करूंगी कि 2, 1, 2, 0. और यहाँ पे 10 और 2, यहाँ पे ये जो दो फैक्टर्स हैं 2 और 5, 2 और 10, इन दोनों की मदद से हम बना सकते हैं 12. जबकि यहाँ पर 4 और 5 भी 20 के ही फैक्टर्स हैं, लेकिन 20 को हमने खुद से इस तरह से ब्रेक करना है कि इसके जो सूटेबल फैक्टर्स हों तो उनकी मदद से हम ये अपनी मिडिल टर्म को बना सकें. तो यहाँ पे 10 और 2 क्या होंगे, प्लस होंगे और बनाएंगे 12x. इस तरह से इसके साइन को भी आपने देखना होता है मिडिल टर्म को, तो मिडिल टर्म का साइन है प्लस, तो इसके मुताबिक प्लस 10 प्लस 2 बनाएंगे प्लस 12. तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन में फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे, 4x स्क्वायर प्लस, ये प्लस साइन मैंने यहाँ पे लिखा क्योंकि प्लस 10 लिखना है, प्लस 10x प्लस 2x. इन दोनों ने बना दिया 12, यानी कि ये 12 ब्रेक होकर स्प्लिट हो गए, 10 और 2 के फॉर्म में चला गया. जो थर्ड टर्म है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, सेम टू सेम. अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास, हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में ग्रुपिंग करते हैं. तो यहाँ पर मैं इधर ही ग्रुप बना देती हूँ क्योंकि यहाँ बाहर प्लस साइन है तो ये ग्रुप बनाते हुए तंग नहीं करेगा. अब जो फर्स्ट ग्रुप है स्टूडेंट्स, उसमें से हमने लेना होता है कॉमन. इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और साथ में x कॉमन है. बाकी बचता है 2x प्लस 2, 5 था ये 2, 10 के फैक्टर में से 2 कॉमन चला गया तो बाकी फैक्टर रहता है 5. तो 2, 5, 10 और साथ में x नहीं लिखेंगे क्योंकि x जो हमारा कॉमन में चला गया है. प्लस इन दोनों, इस ग्रुप में से दोनों टर्म्स में से कोई कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिखते हैं और बाकी फिर 2x प्लस 5 एज इट इज लिख दिया. अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, ये वाली, इन दोनों टर्म में कॉमन है 2x प्लस 5 और 2x प्लस 5. यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 5, ये हमारा कॉमन वाला है. कॉमन लेने के बाद बाकी जो बचता है वो है 2x प्लस 1. तो यहाँ पर हमारे जो फैक्टर्स आए हैं ये कम्प्लीटली फैक्टराइज हो गया है क्योंकि ये फैक्टर्स जो हैं ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इन्हें हम फर्दर क्लास फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, 30x² प्लस 7x माइनस 15. यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c ही से मिलता है. यहाँ पर अब हमने क्या करना है, a को मल्टीप्लाई करना है c से, यानी जिस तरह से हम इसके फर्स्ट स्टेप में करते आए हैं. तो 30 को पहले 15 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर साइड पर 30 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 500, 5 + 15, 100, 133, 0, 5 + 3, 14, यानी कि 450 आ गया है. और अब हमने 450 के जो हैं वो बनाने हैं फैक्टर्स, इस तरह से सूटेबल फैक्टर्स लेने हैं कि हमारे पास उनको प्लस या माइनस करने से 7 आ जाए, यानी मिडिल वैल्यू आ जाए. तो यहाँ 2 to the 4, 2 to the 4, 1 carry, 2, 5 the 10, 5 पे हम डिवाइड करेंगे क्योंकि 225 अब 5 पे डिवाइड होता है, या 3 पे होता है तो 3 पे कर लें, 3, 7 the 21, 3, 5 the 15. अब हमारे पास अगर आप देखेंगे दो फैक्टर्स जो हैं 3 to the 6 और 75, ये 7 नहीं बना पा रहे हैं, हम इसे 5 पे डिवाइड करेंगे, 5, 1 the 5, 5, 5 the 25. अब जो हमारे पास फैक्टर आए हैं वो है 5, 3, 2 और 15. अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूँ, 5 to the 15, 15 to the 30, 30 और 15, दोनों हमारे पास 7 नहीं बना पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमें क्या करना है, इस 15 को फर्दर जो है वो डिवाइड कर लेते हैं. तो हम करते हैं
5 3 15। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास अगर आप देखें तो ये फैक्टर्स जो बने हैं, अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है 25, और 3 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आता है 3 टू द 6 और 6 थ्री द 18। यानी कि 2 3 और 3 ने मिलकर बनाया है 18, और यहाँ पे 5 और 5 मिलकर बना रहे हैं 25। ये 25 और जो 18, दो हमारे पास फैक्टर्स आए हैं। अगर मैं इनको माइनस करूँ यानी 25 में से 18 को माइनस करूँ तो आता है 7। और ये स्टूडेंट्स हम बहुत सोच समझ के जो हैं वो इनकी ग्रुपिंग करते हैं। सूटेबल फैक्टर्स चाहिए होते हैं हमें, मिडिल वैल्यू को ये हमने खुद देखकर बनाने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से, और फिर मल्टीप्लाई किया 3 से, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आता है 18। तो जब देखा कि 25 में से 18 माइनस करें तो आता है 7। तो ये हमारी है इसके सूटेबल फैक्टर्स। सोल्यूशन करते हुए हम पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, 30x2, 7x को हम लिखेंगे, क्योंकि ये हमारे पास साइन को भी देखना होता है। तो यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस 25 ही करेंगे तो हमारे पास 7 पॉजिटिव आएगा, वरना हम इसके फैक्टर्स इस तरह से भी बना सकते थे कि माइनस 25 प्लस 18 हो तो ये माइनस ही रहा है। हमारे पास आंसर 7 ही रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है, जो कि नहीं हमें चाहिए, हमें प्लस 7 चाहिए। तो 25 माइनस 18 फैक्टर्स इसके सही फैक्टर्स हैं। तो प्लस 25 एक्स माइनस 18 एक्स, साथ में वेरिएबल भी लगाते हैं, माइनस 15। अब ये थर्ड टर्म है उसके साइंस में, तो उसको हमने एज इट इज लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुपिंग करते हैं, तो ग्रुपिंग करते हुए यहाँ पर हम करेंगे 30x² प्लस 25 एक्स का ग्रुप, और इन दोनों का जो ग्रुप बनाएंगे स्टूडेंट्स वहाँ पे माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर वाले का साइन, टर्म का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 भी पॉजिटिव हो गया और 15 भी पॉजिटिव हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो ग्रुप बनाए हैं इनसे कॉमन लेना होता है। फर्स्ट ग्रुप से कॉमन हमारे पास आता है 5, और एक्स भी साथ में अंदर बचता है। तो 5 6 30 और साथ में एक्स आया, प्लस 5 5 25, माइनस इन दोनों में से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है 18 और 15 में से वो है 3। तो सिर्फ 3 कॉमन है, 3 6 18x प्लस 3 5 15 होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो दो टर्म्स आई हैं उनमें से कॉमन लेते हैं। तो 6x प्लस 5 दोनों टर्म्स का कॉमन है, बाकी कॉमन लेने के बाद बचता है 5x माइनस 3। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं जो कि प्राइम फैक्टर्स हैं, जिनको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास है 24x² माइनस 65x प्लस 21। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास बिग वैल्यूज आ गई हैं, यानी कि हमने जो ए है यहाँ पर एक्स स्क्वेयर के साथ और जो कांस्टेंट है दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 24 को 21 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको फैक्टराइज करना है। तो 1 4 4, 1 2 2, 2 4 8, 2 2 4, 4 8 2 10, 1 कैरी, 5 प्लस 1 4 प्लस 1 5, यानी 5 0 4 को हमने ऐसे ब्रेक करना है कि हमारे पास 65 आ जाए। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं इसके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसे डिवाइड करूँगी 2 से, 2 2 4, 1 कैरी, 2 5 10 एंड 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 6 12 और 2 3 6। यहाँ पे 3 से कर लेते हैं, 3 2 6, 3 1 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम बना के देखते हैं कि हमारा 65 बन रहा है कि नहीं। तो 3 2 6, 6 2 12 और 12 2 24, 24 और 21 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास जो है वो आता है 5 और 45। तो ये हमारे पास फैक्टर जो मिडल टर्म है 65 वो नहीं बन रही है। अब हम इसको फर्दर जो है वो ट्राई करते हैं कि हमारी जो टर्म है वो किससे बनेगी, 3 7 21। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह से करें कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 9, और बाकी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो आता है 7 2 14, 14 2 28 और 22 2 56। यानी कि इन सब टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो आता है 56। अब ये जो 56 है और जो 9 है इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 65। तो इसका मतलब है कि ये जो 56 और 9 फैक्टर्स हैं वो 65 बना रहे हैं, लेकिन साइन क्या होना चाहिए माइनस 65 का। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे कि माइनस 56 माइनस 9, तो माइनस 65 आंसर आएगा। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप में हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखना होता है, 24x², जो हमारी मिडिल टर्म है उसको हमने बनाया है 56 और 9 फैक्टर से, जो कि सूटेबल फैक्टर से, और भी बहुत से फैक्टर्स थे 504 के, लेकिन 56 और 9 फैक्टर ने मिलकर बनाया है 65। तो लिखेंगे माइनस
56x माइनस 9x प्लस 21, हर टर्म को उसके साइन समेत एज इट इज़ लिख दिया है। अब हम इसके बाद जो स्टेप करते हैं उसमें हम लेते हैं और उसमें बनाते हैं ग्रुपिंग। तो फर्स्ट टू जो होती हैं टर्म्स उसकी हम ग्रुपिंग बनाएंगे। ये हमेशा इस तरह से इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स कि हम जो फर्स्ट टू की ग्रुपिंग बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मैं हमेशा जो ग्रेटर वैल्यू है उसको पहले रख रही हूँ और स्मॉल वैल्यू को बाद में रख रहे हैं। अगर आप स्मॉल को पहले रखते हैं और ग्रेटर को बाद में रखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि इनकी ग्रुपिंग इसी तरतीब में हो जिसमें हम लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो ग्रुपिंग है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में करूँगी। 24x² माइनस 56x माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है बाहर, तो ग्रुपिंग करते हुए माइनस कॉमन लिया, अंदर वैल्यू के साइन चेंज हो गए। तो स्टूडेंट्स अब हमने इन ग्रुप्स में से लेना होता है कॉमन। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में आप देखें तो हमारे पास हम इसमें 2 भी कॉमन ले सकते हैं, 4 भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन जो ग्रेटेस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो है हमारे पास 8। तो 8x कॉमन ले लिया क्योंकि हम ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं हमेशा। तो यहाँ पे 8 3 24x माइनस 8 7 56 और साथ में x बाहर कॉमन में चला गया है, माइनस इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर है 3, तो 3 बाहर आ गया, अंदर बचता है 3 3 9x माइनस 3 7 21। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम कॉमन लेंगे दो टर्म्स में से, तो वो है 3x माइनस 7 कॉमन में लिख लिया, बाकी बचता है 8x माइनस 3। अब ये दो फैक्टर जो आए हैं ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं क्योंकि हम इनको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्ट के बाद आता है फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 का 5x² माइनस 16x माइनस 21। यहाँ पे सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को जो कि एक्स स्क्वेयर के साथ a है उसको मल्टीप्लाई करेंगे c यानी कांस्टेंट 21 के साथ। तो 21 को मल्टीप्लाई करें 5 से तो आता है 5 1 5 5 2 10 105। अब 105 के जो फैक्टर्स बनाने हैं तो मैं 5 पे बनाऊंगी क्योंकि जो लास्ट में टर्म है वो हमारे पास नंबर 5 है। तो 5 टू द 10 5 1 द 5 3 7 द 21। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके फैक्टर्स हम बना के देख लेते हैं सूटेबल फैक्टर्स कौन से होंगे कि वो 16 बना रहे हों। तो यहाँ पर है 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 7 3 द 21, और 21 में से अगर आप 5 माइनस करें तो हमारे पास आता है 16। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे चेक करते हैं कि अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो आता है 15, और 15 और 7 से हम 16 नहीं बना सकते हैं क्योंकि 15 को 7 में प्लस और माइनस करने से 16 नहीं आता है। तो इट मीन 7 3 द 21 और 5, अब 21 और 5 मिलकर हमारा 7 3 21 और 5 जो है मिलकर हमारे पास 16 बनाएंगे, और वो बनाएंगे 21 माइनस 5 होगा तो आता है 16। लेकिन अब चूंकि हमने साइन भी साथ देखना होता है मिडिल वैल्यू का, तो यहाँ पर तो माइनस 16 है तो यहाँ पर मैं माइनस 16 नहीं आ रहा है, तो 16 पॉजिटिव है। तो इस तरह से इसके फैक्टर्स बनेंगे, उनकी अरेंजमेंट ये होगी कि माइनस 21 प्लस 5 साइन के साथ होगा तो माइनस 16 आएगा। ये हमारे हैं प्रॉपर और सूटेबल फैक्टर्स विद प्रॉपर साइन। तो यहाँ पर जब हम पहला स्टेप करते हैं तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज़ लिखते हैं, सेकेंड टर्म जिसको हम प्रिंट कर रहे हैं वो हम इस वे में करेंगे कि माइनस 21x प्लस 5x माइनस 21। हमेशा आपने बड़ी वैल्यू को पहले रखना है तो आपकी ग्रुपिंग आसानी से हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप हम दो टर्म्स को करते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से इन दोनों टर्म्स की ग्रुपिंग कर दी है जो मैंने नेक्स्ट स्टेप में करनी थी क्योंकि यहाँ प्लस साइन था तो ये इजीली इनकी ब्रैकेट्स जो हैं वो बंद हो गई हैं। फर्स्ट ग्रुप में से हमारे पास जो कॉमन आता है वो हमारे पास है एक्स सिर्फ, अंदर हमारे पास बचता है 5x माइनस 21 क्योंकि यहाँ 21 और 5 में से कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो मैंने x कॉमन लिया दोनों के पास था, अंदर बाकी बचा 5x माइनस 21 प्लस। अब इसी तरह सेकंड ग्रुप में से भी कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिख दिया, 5x माइनस 21। नेक्स्ट स्टेप में दो जो टर्म्स हैं इनमें 5x माइनस 21 कॉमन है तो कॉमन में लिख दिया, और बाकी जो बचता है वो है x प्लस 1। नो, इस टर्म के पास x कॉमन था, दूसरी टर्म में 1 था तो यहाँ लिख दिया। अब ये भी हमारे फैक्टराइज हो गए हैं और ये प्राइम फैक्टर हैं जिनको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते। अब हमारे पास आता है फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट है 4x² माइनस 17xy प्लस 4y². ये स्टूडेंट्स जो हमने एग्जांपल सॉल्व की थी उस एग्जांपल से मिलता जुलता है जो कि इसी टाइप के मुताबिक हमने उसको सॉल्व किया था उस एग्जांपल को। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए हैं x और y, इसको हम इसी टाइप की एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। जिस तरह से हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो आता है 4 4 द 16। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे 16 के हमारे पास 17 आ जाए। तो
तो स्टूडेंट 16 के फैक्टर 16 वन दस 16 ही करेंगे तो हमारे पास 1 और 16 मिलकर बनाएंगे 17। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में हम फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे माइनस 16xy माइनस xy, 1xy है। मैंने 6 माइनस 16 माइनस 1 किया तो माइनस 17 होता है। प्लस थर्ड टर्म को हम एज इट इज लिखेंगे 4y स्क्वायर। अब इस स्टेप में आपको मैं एक दफ़ा फिर से बता दूं कि मैंने 16xy 1xy कहां से लिखा है। ये xy तो हम वेरिएबल साथ में लिखते हैं, ये माइनस 16 और माइनस 1 है, तो 1xy xy के साथ 1 लिखें या ना लिखें इसका कोई मसला नहीं होता है। अब हमने दो ग्रुप्स बनाने हैं तो यहां पे मैं नेक्स्ट स्टेप में ग्रुपिंग करने लगी हूँ। माइनस 16xy ये एक ग्रुप है, माइनस कॉमन के साथ माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर बचता है ग्रुप xy माइनस 4y स्क्वायर। यहाँ साइन जो है दोनों टर्म्स के चेंज हो गए क्योंकि माइनस कॉमन में है। अब फर्स्ट जो ग्रुप होता है उसमें से हम कॉमन लेते हैं तो इस ग्रुप में से ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 4x है, बाकी बचता है x माइनस 4 द 16, 16 4 के टेबल में 4 पे आता है, x कॉमन में चला गया है तो बाकी y है। माइनस इस ग्रुप में से अगर आप देखें तो एक वेरिएबल y जो है वो दोनों के पास है कॉमन में, वो कॉमन लिख दिया, बाकी x माइनस 4y। अब इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो दो टर्म्स होती हैं उसमें से कॉमन देखते हैं, वो कॉमन है x माइनस 4y तो वो लिख दिया, बाकी हमारे पास जो बचता है कॉमन के बाद वो 4x माइनस y है। ये स्टूडेंट्स हमारे फैक्टर्स बन गए हैं, हमारे एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गया है और ये प्राइम फैक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के हमने अभी तक फिफ्थ पार्ट को किया है, अब हम इसके सिक्स पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसको हम करते हैं ब्लू पेन से। सिक्स पार्ट में हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर। स्टूडेंट्स हमारा ये जो सिक्स पार्ट है ये है 3x स्क्वायर माइनस 38xy माइनस 13y स्क्वायर, ये हमारे फिफ्थ पार्ट की तरह ही है जिसमें हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से और उसके बाद जो आंसर आएगा उससे हम फैक्टर्स 38 बनाएंगे। तो 13 3 द 3 से 9 जो 39 होता है, 39 को हमने फैक्टर्स बनाते हुए 39 वन था 39 ही करेंगे क्योंकि मैंने अपनी मिडिल टर्म को देखा वो 38 था, तो 39 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 1 तो आ जाता है 38 और चूंकि हमें चाहिए माइनस 31 तो मैं लिखूंगी माइनस 39 प्लस 1 क्योंकि हमने प्रॉपर साइन भी यूज़ करने होते हैं। तो यहाँ पर ये भी 38 ही बना रहा था लेकिन हमारी जो मिडिल टर्म थी वो माइनस के साथ थी, इसलिए अब जो प्रॉपर साइन जो है वो माइनस 39 प्लस 1 के साथ है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे पहली टर्म को एज इट इज 3x स्क्वायर, सेकंड टर्म को सेपरेट करते हुए माइनस 39xy, वेरिएबल साथ में लिखते हैं, प्लस ये 1 है तो 1xy माइनस 13y स्क्वायर। ये मैंने थर्ड टर्म को भी एज इट इज लिखा है, बस सेकंड टर्म को हमने ब्रेक करके लिखना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, तो यहाँ पे मैं इन दोनों के ग्रुप और इन दोनों के ग्रुप बनाऊंगी। अब जो ग्रुप बनते हैं उनमें से कॉमन लेते हैं तो 3x कॉमन है इन दोनों में, बाकी बचा x माइनस 31 द 3 3 3 9 y, ये x हमारा कॉमन में चला गया है, प्लस सेकंड ग्रुप में हमारे पास y कॉमन है दोनों के पास, y कॉमन लिखेंगे, बाकी बचता है x माइनस 1 नहीं लिखेंगे यहाँ पर, x माइनस 13 y, ये दो y थे तो यहाँ पर एक y बाहर आ गया है, इज इक्वल टू अब इन दो टर्म्स में से हमने कॉमन लिखना है x माइनस 13y, बाकी बचता है 3x प्लस y। तो ये स्टूडेंट्स हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं जिनको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते और ये हमारा आंसर है। अब हम सेवन्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, इसके एट्थ पार्ट है टोटल, सेवन्थ पार्ट है हमारे पास 5x स्क्वायर प्लस 33xy माइनस 14y स्क्वायर। ये भी हमारा जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तो नहीं मिलता है लेकिन इसी एक्सप्रेशन की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन सिंगल वेरिएबल में है जबकि ये टू वेरिएबल्स में है, लेकिन इनको सॉल्व हम अपने इस एक्सप्रेशन की टाइप से ही करेंगे, यानी हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से और फिर जो आंसर आएगा उसके फैक्टर्स बनाएंगे। तो 14 5 का होता है 5 4 द 20 0 2 5 1 द 1 और 5 प्लस 2 7, तो ये हमारे पास आ गया 70। 70 के हमने जो फैक्टर्स बनाने हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 33 आना चाहिए, तो 2 3 द 6 2 5 द 10। यहाँ पे अगर आप देखें 35 और 2 ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम प्लस माइनस करें तो आ जाएगा 33, यानी कि 35 माइनस 2 करेंगे तो आता है 33 और ये हमारे प्रॉपर साइन के साथ फैक्टर्स हैं।
तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5x² + 35xy - 2xy - 14y² थर्ड टर्म को एज इट इज लिखा और फर्स्ट टर्म को भी एज इट इज लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग हम फर्स्ट टू जो है टर्म्स की करते हैं, 35xy ये एक ग्रुप है, यहाँ पे माइनस कॉमन लेने के बाद जो दूसरा ग्रुप बना वो 2xy + 14y² है, तो मैंने यहाँ पर ग्रुपिंग कर दी है। नेक्स्ट स्टेप में ग्रुप में से हमने कॉमन लेना होता है, तो इस ग्रुप में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 5x, बाकी बचता है x + 5 7 35। 35 का एक फैक्टर 5 है और एक 7 है, तो 5 फैक्टर कॉमन चला गया, 7 बच गया y के साथ, माइनस इन दोनों फैक्टर्स में से 2y कॉमन है तो बाकी बचता है x, क्योंकि यहाँ पर 2y बाहर है, तो x + 2 7 14y। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर स्टूडेंट्स जो दो टर्म्स हैं उनमें x + 7y दोनों में कॉमन है, तो लिखेंगे x + 7y कॉमन में, बाकी जो बचता है वो है 5x और -2y। तो ये हमारे पास ये जो है फैक्टराइजेशन हो गई है पार्ट 6 सेवन्थ की। अब हमारे पास जो सेवन्थ के बाद 8th पार्ट आता है स्टूडेंट्स, ये 8th पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। 8th पार्ट को हम देखते हैं कि क्या है, 5x - 1/x² + 4 × 5x - 1/x + 4। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारे ax² + bx + c से नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 8 है अगर आप उसको गौर से देखें तो वो ax² + bx + c से नहीं रिजेंबलेंस है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन की हमें टाइप बताई गई है ये हमने एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.1 में ये टाइप डिस्कस की थी, a² + 2ab + b² और यहाँ पे जो हमने एग्जांपल सॉल्व की थी एक मैं वहाँ लिख के दिखाती हूँ आपको। इस एक्सप्रेशन की एग्जांपल लिखते हैं, 25x² + 40x + 16 है। ये भी स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट होती थी, जिस तरह से हमने अभी अपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट सॉल्व किए वो भी ऐसे ही लिखे हुए हैं, लेकिन हम उसको जो फैक्टराइज करें वो 25 को 16 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसके फैक्टर्स बना के कर रहे हैं। लेकिन जबकि हमने एक्सरसाइज 5.1 में इस टाइप को एग्जांपल को सॉल्व किया था ax² + 2ab + b² के फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पर बन रही थी 25 का a का स्क्वायर बनता था और 16 जो था वो बी स्क्वायर का बनता था, तो हम इसको फॉर्मूला के मुताबिक इस तरह को x² x और कॉन्स्टेंट को इस फॉर्मूला से सॉल्व करते थे। तो आपने जब भी क्वेश्चन की टाइप देखनी है आप देखते हैं क्या वो फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है या फिर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में सॉल्व हो रहा है, यानी फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करने वाले फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हमारे पास अब क्वेश्चन गिवन है ये हमारे पास a² + 2ab + b² वाली टाइप है, a² + 2ab + b² है, क्योंकि जब हम इस तरह की टाइप के एग्जाम्पल्स देखते हैं जैसे कि ये 25 + 40x + 16 तो वो भी हमारी ax² + bx² वाली टाइप से मिलती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला की मदद से, तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। सॉल्यूशन ये मेरा है a², मैं इसको एज इट इज लिखूंगी, ये फॉर्मूला बना बनाया है यहाँ पर, ये a² है प्लस 2a क्या है 5x - 1/x और फिर b लिखना है तो b हमारे पास आएगा 4 से, तो ये है 2, यहाँ पर मैं लिखूंगी 2² यहाँ पर मैंने 4 को लिख दिया 2² और 4 × 5x - 1/x को लिख दिया 2 × 2 यानी कि 2 to the 4 5x - 1/x। यहाँ पे ये फॉर्मूला की फॉर्म बन गई है बनी बल्कि हमें बनी हुई मिली थी a² ये है यहाँ पर b और उसके ऊपर है स्क्वायर 2ab मैंने अपने एक्सप्रेशन को देखकर बनाया है 4 × 5x - 1/x को। अब हम इसको जो फर्दर सॉल्व करेंगे वो फॉर्मूला क्लोज करेंगे सिर्फ, तो फॉर्मूला क्लोज करते हुए लिखेंगे 5x - 1/x ये है पूरा a प्लस क्योंकि प्लस का है 2 तो प्लस b लिखेंगे 2 होल स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स मैंने लिख दिया a + b होल स्क्वायर अपने एक्सप्रेशन को देखते हुए फॉर्मूला को क्लोज किया है, जिस तरह हमने एक्सरसाइज 5.1 में जो हमारे पास ये टाइप होती थी तो उसको करते थे। अब हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं 5x - 1/x + 2, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो इसका मतलब है ये 2 टाइम्स लिखा हुआ है 5x - 1/x + 2 और ये हमारा जो है वो आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट का।
स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, जिसमें 8 पार्ट थे और ये 8 पार्ट्स जो थे वो हमारी एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से रिलेटेड थे। हमने इनकी फैक्टराइजेशन जो है वो की। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन को करना सीखेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।